स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र से द्विध्रुव की अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर हमारे पास में सम विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल स्थित है जिनमें यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या इंटरेक्शन होगी। तो हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ डायपोल विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं माना ई विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समान है, असमान विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लिख सकते हैं ई विद्युत क्षेत्र में डी लंबाई का विद्युत द्विध्रुव स्थित है के जो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। ए पॉइंट पर हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके कारण क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई होता है। तो अब जो चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स होगा, प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू के ऊपर कितना फोर्स होगा, माइनस क्यू ई। तो हम लिख सकते हैं ए बिंदु पर आवेश माइनस क्यू स्थित है तथा बी बिंदु पर माइनस प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह द्विध्रुव, ये जो डायपोल है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो हमने फील्ड लाइंस जो की हुई है, इन लाइंस के साथ में ये थीटा एंगल बनाता है, यानी इस तरह से ओरिएंटेड है। तो हम लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश पर ई के कारण बल कितना होगा, फोर्स क्यू ई। F1 इक्वल टू क्यू ई वेक्टर होगा और ये किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर इस डायरेक्शन में हमारे पास में क्या होगा, बल होगा। अब जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू पर फोर्स कितना होगा, क्यू ई होगा। अब जब चार्ज माइनस क्यू है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश पर ई के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण बल F2
या क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। माइनस क्यू पर आवेश पर ई के कारण बल क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, विपरीत लगता है। अतः एफ टू इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो अब जो डायपोल है इसके ऊपर इस सम विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण इस डायपोल पर टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल या कुल बल कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई इक्वल टू जीरो। टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डायपोल पर टोटल फोर्स जीरो है। तो इस डायपोल पर टोटल फोर्स जीरो होने के कारण क्या होगा, इसका रेखीय विस्थापन नहीं होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी यहां से ही अपनी ये पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको लिखो। तो चूंकि यहाँ पर इस डायपोल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, टोटल फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि कुल बल शून्य है अतः सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब ये जो डायपोल है इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार्य कर रहे हैं। एक फोर्स यहां पर लग रहा है प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई फोर्स यहां पर लग रहा है। दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। और जब इस तरह का कोई भी पेयर फोर्स का कार्य करता है तो क्या कहलाता है, टोर्क कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं द्विध्रुव पर समान एवं विपरीत बल युग्म कार्य करता है, बलयुग्म पेयर ऑफ फोर्स यहां पर लग रहा है, बलयुग्म कार्य करता है। अतः द्विध्रुव पर डायपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, और यह बल आघूर्ण जिस तरह से फोर्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अब यहाँ पर टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टोर्क को लगा रहे हैं, और टोर्क क्या करेगा, इसे रोटेट करने की कोशिश करता है। टोर्क इसे रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा, यानी ये यहाँ पर इसको इस तरह से दक्षिणावर्ती घुमाता है, क्लॉकवाइज यहाँ पर इसको रोटेट करेगा। तो लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण लगता है, और यह बल आघूर्ण बलागुण द्विध्रुव को डायपोल को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, दिशा में लाने का प्रयास
करता है। अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क की यहां पर अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आवेश इनटू यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी इनकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं हम क्यू डी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये डी साइन थीटा कैसे आएगी अपने पास में, क्योंकि ये अगर हम ट्राइंगल ले, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये एंगल थीटा है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी है, ये डिस्टेंस डी है तो ये कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। यहां पर या तो हम चाहे तो ट्राइंगल के अंदर इस तरह से निकाल सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या फिर जब भी हम देखते हैं कि कोई वेक्टर हमारा इस तरह से ओरिएंटेड है कि उसका जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के साथ में उसका थीटा एंगल अगर बन रहा है, तो जो एक्सिस यहाँ पर है अपनी जिसके साथ में ये थीटा एंगल बनाता है वो तो क्या होगी, जैसे अगर ये डी है तो ये तो क्या हो जाएगी, डी कोस थीटा होगी, और इसके सामने वाली जो डिस्टेंस होती है वो डी साइन थीटा होगी। इसी प्रकार से अगर ये डी कोस थीटा है तो ये भी डी कोस थीटा होगी, और इधर वाली जो होगी वो डी साइन थीटा होगी, यानी जिसके साथ में ये एंगल बनाता है थीटा वो वाली तो क्या होती है, डी कोस थीटा, और जो बचती है वो कितनी होगी, डी साइन थीटा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि बीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा। तो टो का मान क्या हो जाएगा यहां पर, क्यू ई डी साइन थीटा, ठीक है, जो फोर्स यहां पर लग रहा है और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां पर अपना टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके लिए टॉर्क के लिए अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि टो इक्वल टू क्यू ई, और ये हमने जो लिखा है ये अपना किस तरह से आया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो कहां से आया है, ये बल का परिमाण, जो समान फोर्स यहां पर लग रहे हैं, बल का परिमाण इनटू बलों की कार्यकारी रेखा रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, कार्यकारी रेखाएं जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई, इन लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बलों की कार्यकारी रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, तो ये अपने पास में आ जाएगा क्यू ई इंटू बी सी, और बी सी क्या है, क्यू ई, और ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो टोर्क इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई डी साइन थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं क्यू डी ई साइन थीटा, और क्यू डी क्या होता है, डायपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा, Q डॉट D इक्वल टू हो जाएगा P हो जाएगा, तो ये आ गया PE साइन थीटा, ठीक है, इसको लिखो।
इक्वल टू अपने पास में आ गया, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, और इसे अगर हम सदिश रूप में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो पी और ई के साथ में यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, तो कौन सा आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो सदिश रूप में लिखने पर टो इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये यहाँ पर अपने पास में आ गया टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो किससे आ जाएगी, पी क्रॉस ई से आएगी। ठीक है, अब हमारे पास में दो केसेस हो सकते हैं, एक तो स्थिति फर्स्ट जब थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो डिग्री हो। थीटा इक्वल टू जीरो होगा तब कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू पीई साइन जीरो, तो पीई साइन जीरो का कितना आ जाएगा मान, जीरो। यहां पर न्यूनतम बल आघूर्ण होगा, न्यूनतम बल आघूर्ण, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, टो इक्वल टू पीई साइन 90, तो ये आ जाएगा पी डॉट ई। इस कंडीशन में अधिकतम बल आघूर्ण होगा, तो जब P और E यहाँ पर अपने पास में क्या है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जीरो डिग्री है, यानी ये इसी की डायरेक्शन में होगा, तब क्या होगा कि जो टॉर्क है वो कितना रहेगा, जीरो होगा, न्यूनतम बल आघूर्ण यहाँ पर रहेगा, क्योंकि टॉर्क के कारण क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। और जब तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, पी और ई के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन के अंदर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से कोई भी डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्थित है तो उसका इंटरेक्शन किस प्रकार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और साथ में जो टॉर्क हमारा लगता है, यानी उसके ऊपर फोर्स नहीं होगा, यहाँ पर टोटल फोर्स जीरो रहेगा और क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का मान हम किस प्रकार देंगे, PE साइन थीटा या P क्रॉस E, और डायरेक्शन यहाँ से इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन आएगी अपने पास। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पी के ऊपर। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव। हमारे पास में क्या है, एक समान
रूप से आवेशित गोलीय कोष से उसके कारण विभव निकालना है। तो पोटेंशियल का मान हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास में कोई 8 त्रिज्या की स्फेरिकल सेल है, इसके कारण किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि माना आर त्रिज्या का गोलीय कोष जिसका केंद्र ओ है के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहां पर अपने पास में ये एक गोलीय कोष है और इसके कारण हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान निकालते हैं। इस गोलीय कोष की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, और ये जो पॉइंट पी है इस ओ सेंटर से वो आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। लिख सकते हैं बिंदु पी की गोलीय कोष से दूरी स्मॉल आर है, जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, और जो आवेश है वो इस गोलीय कोष पर समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है। तो इसका जो पृष्ठ है इसके ऊपर क्या है, समान रूप से वितरित आवेश है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आवेश Q गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी ए, तो यहां पर डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए या क्यू इक्वल टू सिग्मा ए अपन लिखते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एरिया, और स्फेरिकल सेल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी रेडियस है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक वलय बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। ये एंगल कितना है, डी थीटा है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। ये यहां पर अपन ने क्या बनाई है, ये जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर एक रिंग बनाई है इस तरीके से। तो ये जो रिंग बनाई है, इस रिंग की यहां पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, और ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल डी थीटा है। ठीक है, और ये जो रिंग है इसके यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इस रिंग के अंदर जो इस प्रकार से ये रिंग बन रही है इस स्फेरिकल सेल के अंदर, यहां पर जो हमने वलय बनाई है इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, और इस वलय पर आवेश हम मान लेते हैं कि DQ आवेश है इस वलय पर, और इस वलय का जो आयतन है वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी है। ठीक है, तो इस वलय के कारण हम यहाँ पर पोटेंशियल का मान ज्ञात करते हैं, और फिर हमको हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे यहां से लेकर के यहां तक। ये जो हमारी पूरी स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर हमने क्या मान लिया, एक स्मॉल विड्थ की ये रिंग हमने मान ली। ठीक है, मान लो हमने इस
किसी मोटाई की ये विड्थ यहाँ पर ले ली हमने। अब इस रिंग को हम क्या करते हैं, पूरा इस स्फेयर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी एक इस रिंग के कारण हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे सर्कल सेल के कारण क्या आ जाएगा, पी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान आ जाएगा। इसको लिख लो, फिर हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए निकाल सकते हैं कि माना वलय एबीसीडी पर आवेश का मान डी क्यू है, तो इसका आवेश का मान डी क्यू है, तो हम इस वलय के कारण पी के ऊपर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वलय एबीसीडी के कारण पी पर विभव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डीवी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, एक्स है, और इस पर जो आवेश का मान है, चार्ज का मान है, वो कितना है, डी क्यू है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का मान क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर आर है, वो एक्स है, और आवेश का मान डी क्यू है। अब हमें क्या करना है, डी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है और एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी क्यू का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए होगा। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए हो जाएगा। हम लिख सकते हैं आवेश डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब जो डीए है, ये जो वलय है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं वलय एबीसीडी का क्षेत्रफल ये वाली जो इसकी मोटाई होगी वो तो कितनी हो जाएगी, ये इस तरह से एक आर्क बन रहा है। ठीक है, हमने इस स्फेयर के अंदर ये जो वलय काटी है यहां पर, इसके लिए हमें जो मोटाई होगी इसकी वो तो क्या हो जाएगी, ये डी थीटा होगी, ये आर डी थीटा होगी, क्योंकि ये आर्क बन रहा है, ये डिस्टेंस तो आर है, क्योंकि इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो इसके जो सर्कमफ्रेंस है, इसका हर पॉइंट क्या होगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पर होगा, तो ये दूरी भी आर है, एंगल डी थीटा है, तो ये जो आर्क यहाँ पर बन रहा है वो तो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। यानी इस रिंग की मोटाई तो कितनी हो गई, आर डी थीटा हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इसकी चौड़ाई इनटू परिधि, तो इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होगी, क्योंकि एरिया हम कैसे निकालते हैं, लंबाई इनटू चौड़ाई करके, और किसी इस रिंग शेप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, उसकी टोटल जो सर्कमफ्रेंस यहाँ पर होगी अपने पास में, और इसकी चौड़ाई हमने निकाल ली, चौड़ाई कितनी है, आर डी थीटा है। सर्कमफ्रेंस कैसे लिखते हैं, 2 पाई आर। अब यहां पर जो रिंग बन रही है इसकी रेडियस आर नहीं होगी, इसकी रेडियस ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां पर क्योंकि जो स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल पूरा हमारा सेल था, ये जो पूरा स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब ये जो रिंग हमने बनाई है, इस रिंग की रेडियस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां वाली, तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, इसे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, क्यू पॉइंट हम इसको दे देते हैं। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ बी बी ओ क्यू,
ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या निकालना है, बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, बी क्यू का मान क्या होगा, इस तरीके से आ रहा है ये। तो अभी हमने निकाला था कि अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाली डिस्टेंस क्या होती है, और ये हमारी कितनी है, आर है, तो ये क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये सामने वाली डिस्टेंस जो होगी आर साइन थीटा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा तो ओनली इसकी रेडियस होगी, परिधि कितनी हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, सिग्मा का मान आ गया। अब डी क्यू का मान कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, सॉरी ये हमारा डी ए का मान आ गया। तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है एक्स का मान, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको लिख लो, एक्स का मान क्या हो जाएगा कि जो हमारा ट्रायंगल है बीओपी, इसके अंदर अगर हम कोसाइन लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का 2 आर आर कोस थीटा, या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स डॉट एक्स वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर, क्योंकि एक्स वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, आर माइनस आर हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2 आर आर कोस थीटा। और अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को, तो यहां पर आर फिक्स रहेगा, ये इसकी रेडियस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स रहेगी क्योंकि फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी हमने लिया है, तो ये आर फिक्स रहेगा। कौन वेरी करेगा, एक्स और थीटा यहाँ पर वेरी करेंगे। ठीक है, ये रिंग अगर हम वेरी करवाते हैं, ये रिंग हमने यहाँ पर ली इसमें आगे ली, तो क्या करेगा, एक्स वेरी करेगा और ये थीटा वेरी करेगा, तो क्या आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा, ये 0 हो जाएंगे माइनस का 2 आर आर साइन कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास में एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस थी आर और आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, इनके रिस्पेक्ट में इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनमें तो क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओनली अपने पास में किसका आएगा, एक्स का और थीटा का आएगा। ठीक है, तो इनको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई 2x, dx आ गई, इसका कितना आ जाएगा 2 आर आर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 आर आर, और 1/x का मान तो 1/x का मान आ गया। अब हमारे पास में dv का मान क्या था, विभव dv इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स, इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं, तो हमारे पास में डी क्यू का मान आ गया, 1/x का मान आ गया, तो सारी वैल्यू इसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, इसको रख दो इसके अंदर मान,
ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू रखनी है। तो 1/x, 2 से 2 यहाँ पर हमने कैंसिल किया था, ये आर आर साइन थीटा डी थीटा अपने पास में बचा था, 1/x किया तो ये डी एक्स, क्योंकि 1/ कर रहे हैं इसको, तो डी एक्स अपॉन आर आर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो इनका मान रखा तो ये आ जाएगा डी वी इक्वल टू के, डी क्यू का मान हमने रखा तो डी क्यू इक्वल टू डी वी इक्वल टू के, डी क्यू का मान सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और इसका हमने मान रख दिया डी एक्स अपॉन आर आर साइन थीटा डी थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा से, साइन थीटा डी थीटा कैंसिल, और एक आर से एक आर अपने यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, डी वी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन स्मॉल आर, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, ये बचेगा अपने पास में। तो अब जो इंटीग्रेशन होगा, हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स का मान है हम इसे पूरा इस स्फेयर के यहां से लेके यहां तक क्या करवाते हैं, इंटीग्रेट करवाते हैं। तो डीवी इक्वल टू या कुल विभव गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विभव क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो कहां से कहां तक का होगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का। तो इस पॉइंट पर मान क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर है, इस ओ से लेकर के ओ एन कितना है, आर है, और ये टोटल ओपी कितनी है, स्मॉल आर है। तो क्या कर दें हम, आर माइनस आर कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाली दूरी आ जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर कर दें, तो यहां से यहां तक का हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का। तो आर माइनस आर से आर प्लस आर तक, एन से एम तक का हम पूरा करेंगे, यानी रिंग को जो हमने ये रिंग यहां पर बनाई है, इस रिंग को हम यहां से पूरा वेरी करवाएंगे यहां से यहां तक का। तो क्या आ जाएगा, के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा के सिग्मा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स, और इसकी लिमिट हो जाएगी आर माइनस आर से आर प्लस आर तक, ठीक है, लिमिट हम रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, यहां पर हमने मान रख दिया dx जो हमारी लिमिट थी, तो यह आ जाएगा v इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई आर, ठीक है, एक आर तो हमारा कैंसिल हो गया था, 2 पाई आर अपॉन आर, और लिमिट हमने रखी r प्लस आर से, तो ये हो जाएगा r से r कैंसिल, ठीक है, क्योंकि r प्लस आर और माइनस का r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा k सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है, k सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। अब जो हमारे पास में q का सिग्मा का मान क्या था, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा का मान रख देते हैं, तो k q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डॉट r, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर कैंसिल, k q अपॉन r। तो ये स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल का मान आ गया, यहां पर हमने लिमिट रख दी इसकी पूरी, यहां से लेकर के यहां तक का जो मान रखेंगे हम, हमने एक वलय बनाई और इसका हमने पूरा इंटीग्रेट कर दिया।
एक वलय के कारण हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर हम उसका समाकलन कर देंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। जैसे कि हम लोग इस तरह से करते हैं, कोई भी हमें एरिया निकालना होता है तो हम एक स्ट्रिप इस तरह से बना लेते हैं dx मोटाई की, और फिर हम उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने ये रिंग बनाई थी, इसके कारण हमने पोटेंशियल निकाल लिया और इसको यहाँ से यहाँ तक का समाकलन हमने कर दिया, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आ गया। अब ये हमारे पास में r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आया है, ये बाह्य बिंदु पर विभव था, स्टार्टिंग में इसको लिख लेना कि ये एक्सटर्नल पॉइंट पर था, बाह्य बिंदु पर विभव। हमें क्या करना हो, अगर पृष्ठ पर ज्ञात करना है तो सरफेस पर अगर निकालेंगे तो सरफेस पर पोटेंशियल का मान क्या आ जाएगा, पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, r की जगह r आ जाएगा, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर अपने पास में मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे के जो टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।